हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हम लोग ये टमाटर के पौधे को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने 15 दिन पहले कुछ ये टमाटर के पौधे की कटिंग लगाए थे और अब देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा हूँ। ऊपर देखिए काफ़ी अच्छी लीव्स निकल रही। यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे उसमें टमाटर के फूल वगैरह भी बन रहे हैं। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग टमाटर के पौधे को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। पूरा 100% मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हम लोगों ने टमाटर के पौधे की कुछ कटिंग ले ली। ये मैंने अपने पौधे में से मैं नीचे की जो पत्तियाँ होती और जो शकल्स होते हैं उनको मैं हटा रहा था। तो ये कुछ मुझे शकल्स थोड़े बड़े हो गए थे तो मैंने ये ले लिए। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे थे, तो इन्हीं को हम लोग एज ए कटिंग ग्रो करने वाले। तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है क्या, सबसे पहले तो आप अपने पौधे में से जो शकल निकालोगे उसको ठीक ठाक शकल अगर आपका निकलता है इस तरीके से ग्रो करने लायक, तो उसको बहुत ही सावधानी से आप कट करना है। फिर उसके बाद आपको ये बहुत सारी इसमें पत्तियाँ दिख रही होंगी, काफ़ी हेल्दी इसमें पत्तियाँ ग्रो कर रही हैं, तो आपको ये कुछ पत्तियाँ इसमें से हटा देनी है। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रखनी, उसमें से कुछ पत्तियाँ आप लोगों को हटा देनी इस तरीके से। इसमें भी ये जो साइड वाली पत्ती है इसको भी हटा देना, और इसमें भी साइड वाली जो लीफ है इसको हम लोगों को हटा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग के सारी पत्तियों को हटा देना, और नीचे से हम लोगों को थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पर कट लगाना होगा इस तरीके से करना। और नीचे से हमको इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर इसको थोड़ा सा कट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को नीचे से कट कर लेना है। अब इसका तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लगाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप हल्दी पाउडर सभी के घर पर होती है आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद हम लोगों को एक इस तरीके का मीडिया चाहिए होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए इसमें 50% कोकोपीट है, इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट है लगभग 10% और बाकी इसमें मैंने बालू मिला रखी है, तो काफ़ी अच्छा मीडिया ये तैयार हो जाता है, बिल्कुल वेल ड्रेन मीडिया तैयार होता है। इसमें रूट्स जो होती हैं काफ़ी ईजिली ट्रैवल करती हैं, यानी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं। उसके बाद हम लोग को उसको थोड़ा सा पानी देना होगा, थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग को पानी देना ताकि मीडिया हम लोग का भीग जाए, इसमें कटिंग आसानी से लग जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह से पानी दे दिया और नीचे से पानी तुरंत निकल भी आया। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट कंपोस्ट और सैंड में भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप लोग ना लगाएं। तो इस तरीके से मीडिया बनाने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को सेंटर पर एक छोटा सा होल करना होगा, इस तरीके से गोल होल करना ताकि ये कटिंग अपनी आसानी से चली जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को एक छोटा सा होल करना, फिर उसके बाद हम लोग को अपनी कटिंग लेके इसके सेंटर पर बिल्कुल लगा देना इस तरीके से, कुछ इस तरह से हम लोगों को लगाना होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसमें लगा देना है। इसके बाद मैंने ये कटिंग लगाने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया तो एकदम अच्छे से कटिंग सेटल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हम लोगों ने अपने टमाटर के पौधे की कटिंग लगा दी। इसको अब हम लोगों को थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर धूप इसके ऊपर डायरेक्ट ना लगे। टाइम चल रहा है, टमाटर के पौधे का बिल्कुल ग्रोथ पीरियड होता है, इसमें सबसे तेज़ टमाटर का पौधा ग्रोथ करता है, तो लगभग इसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर रूट्स डेवलप हो जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग का पौधा ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसका अपडेट भी शेयर करता रहता रहूँगा कि इसमें न्यू लीव्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे और पौधा हम लोग का मैच्योर होता जाएगा, मैं आप लोगों को इसका अपडेट भी शेयर करूँगा। तो इसमें हल्के हल्के से न्यू ग्रोथ होने लगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हम लोगों का 15 दिन के बाद का रिजल्ट, हम लोगों ने जो टमाटर की कटिंग अच्छी तरह से ग्रोथ कर गई है, मैं दिखाऊं, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर गई है, इसमें रूट्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं ये हम लोगों की सबसे बड़ी कटिंग, तो इसमें देखिए कुछ फ्लावरिंग वगैरह भी होने लगी है। ये होपफुली पहले से इसमें फ्लावरिंग हो रही, जब इसमें रूट्स आई तो ये फ्लावर्स ग्रो करने लग गए, लेकिन अभी हम लोगों को जो फ्लावर ग्रो करें इनको हम लोगों को कट करके हटा देना ताकि हम लोग के पौधे थोड़े और बड़े हों। अभी अगर छोटे में ये फ्लावरिंग करने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल मैं इनको 5-6 दिन और इसी तरह से रहन दूंगा, और क्योंकि रूट्स थोड़ी और इसकी डेंस हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा, यानी दूसरे पॉट में मैं इनको लगा दूंगा। टमाटर के पौधे को कटिंग से ग्रो करने का तरीका मैंने आप लोगों को बिल्कुल 100% सक्सेसफुल तरीका बताया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो जरूर कर लीजिए, वहाँ पर मैं इस तरह के अपडेट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ऊपर आप लोग देख रहे हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आ रहे हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। साथ में कुछ और वीडियोज़ के लिंक आ रहे हों तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी जरूर देखना। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।